हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट असाइनमेंट टू, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सेंटेंस के बारे में असाइनमेंट टू में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये सेंटेंस के पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं सेंटेंस के, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, तो समझ लेते हैं। Every sentence has two parts. सभी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, A number, subject, और दूसरा पार्ट जो B number है, the predicate. The subject is sometimes we talk about. The subject is something we talk about. तो subject क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। आपके बारे में बात हो रही है तो आप क्या हो, सब्जेक्ट। जिसके भी बारे में बात हो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो होगा प्रेडिकेट। यानी अगर मैं सब्जेक्ट हूँ तो मेरे बारे में जो बात कही जा रही है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। अगर आप सब्जेक्ट हो तो आपके बारे में जो बात कही जा रही है वो होगा प्रेडिकेट। इन द टेबल बिलो ब्लॉक अ हैज सब्जेक्ट एंड ब्लॉक ए हैज सब्जेक्ट एंड ब्लॉक बी हैज प्रेडिकेट। नीचे जो टेबल दिया गया हुआ है इसमें ए नंबर ब्लॉक जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी किसके बारे में बात हो रही है वो लिखा हुआ है, और बी पार्ट में लिखा हुआ है प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो है प्रेडिकेट। जैसे कि ही क्या है, सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में, ही वह के बारे में। टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश, तो उसने मुझे इंग्लिश सिखाया या पढ़ाया। माई सिस्टर कौन, सब्जेक्ट, माई सिस्टर। सिंग्स स्वीटली, मेरी सिस्टर, किसके बारे में बात हो रही है, मेरी सिस्टर के बारे में बात हो रही है। सिंग्स स्वीटली, मेरी सिस्टर अच्छा गाती है। द हॉल, किसके बारे में बात हो रही है, द हॉल, हॉल इज फुल ऑफ पीपल, तो क्या फुल ऑफ पीपल है, हॉल। तो ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट। द ट्रेन, ट्रेन के बारे में बात हो रही है, लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो होगा प्रेडिकेट। नोट क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, द वर्ब इज ऑलवेज इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब यानी क्रिया या एक्शन वर्ड जिसको हम बोलते हैं, जो किसी काम का होना बताता है, जैसे लाफिंग, रनिंग, जंपिंग, स्लीपिंग, ये सब वर्ड क्या है, एक्शन वर्ड है जो किसी कार्य का होना बताते हैं, तो ये वर्ब कहलाते हैं, यानी कि क्रिया कहलाते हैं हिंदी में अगर बोले। द वर्ब इज ऑलवेज इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वर्ब यानी कि क्रिया, जैसे टॉट क्या है, क्रिया, सिंक्स क्रिया, ठीक है, तो ये कहाँ होगा, हमेशा ये प्रेडिकेट का पार्ट होगा, जो भी क्रिया वर्ड होगी वो प्रेडिकेट का पार्ट होगा। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई, अभी हम देख लेते एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर वन, डिवाइड ईच ऑफ द सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में
डिवाइड करिए। अब ये आपको करना है। तो द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए नीचे एक कॉलम दे रखा हुआ, इधर सब्जेक्ट लिखना है और इधर क्या लिखना है, प्रेडिकेट। तो हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। हिज ओनली फ्रेंड वॉज अ कैट, तो एक यहाँ पर करके दिखाया हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट नंबर हिज ओनली फ्रेंड वॉज अ कैट, तो क्रिया हमेशा कहाँ होगी, प्रेडिकेट में होगी। सेकेंड नंबर द माइस मेड हिज लाइफ मिजरेबल, मेड हिज लाइफ मिजरेबल। थर्ड नंबर वी हैड टू क्लाइंब अप अ हिल टू गो टू द फोर्ट, तो वी हो गया सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है, वी के बारे में यानी हम के बारे में बात हो रही है। हैड टू क्लाइंब अप अ हिल टू गो टू द फोर्ट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन ऑफ 17, मार्को पोलो इज सब्जेक्ट, वॉज अ यंग मैन ऑफ 17। फिफ्थ नंबर द किंग लुक्ड एट इट क्यूरियसली, द किंग लुक्ड एट इट क्यूरियसली, तो हो जाएगा द किंग लुक्ड एट इट क्यूरियसली। सिक्स नंबर हर लॉन्ग हेयर वॉज फ्लोइंग इन द विंड, हर लॉन्ग हेयर किसके बारे में बात हो रही, उसके लंबे बालों के बारे में। हर लॉन्ग हेयर वॉज फ्लोइंग इन द विंड। तो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट नंबर देख लेते, मैच द सब्जेक्ट इन ब्लॉक ए विद द एप्रोप्रिएट प्रेडिकेट्स इन ब्लॉक बी एंड राइट डाउन द करेक्ट सेंटेंस बिलो। सब्जेक्ट को कॉलम ए में जो दिए हुए हैं प्रेडिकेट से यानी कॉलम बी से मैच करना है राइट नंबर, और नीचे जगह दे रखी है यहाँ पर लिखना है मैच करके। तो नीचे मैंने नहीं लिखा है और यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी हुई है, तो हम मैच करके नीचे लिखेंगे भी। देख लेते हैं फर्स्ट नंबर द स्टॉर्म, स्टॉर्म को हमने मैच किया है। फिफ्थ नंबर से डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेस, सेकेंड नंबर ट्रीज, ट्रीज को हमने मैच किया है गिव्स अस फ्रूट्स एंड शेड्स। नंबर वाइज आप नीचे लिखते भी जाएंगे, मैच करेंगे और लिखते जाएंगे। थर्ड नंबर टू एंड टू को हमने मैच किया है वन नंबर से मेक फोर। फोर्थ नंबर ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिफ्थ नंबर ग्रीन ग्रोसर सेल वेजिटेबल्स। सिक्स्थ नंबर देयर जर्नी टुक नियरली 4 आवर्स। सेवेंथ नंबर मिल्क इज अ नरिशिंग फूड। एट्थ नंबर द शेल्फ वॉज पैक्ड विथ बुक्स। यहाँ पर जो हमने मैच किया है सारा लिख लेंगे, फर्स्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अभी देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। सप्लाई सुटेबल सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट्स, सेलेक्ट देम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि सप्लाई सुटेबल सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट दिया हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। राइट सब्जेक्ट चूज करना है और खाली जगह में फिलअप करना है। तो ब्रैकेट से हमें वर्ड लेना है, यहाँ पर भी नंबरिंग कर रखी हुई है। नंबर वन शाइन्स इन द स्काई, यहाँ पर आ जाएगा द सन। सेकेंड नंबर डेस कैन नॉट लिव विदाउट एयर, लिविंग बींग्स। थर्ड नंबर डेस विल रिंग सून, द बेल। फोर्थ नंबर
were walking along the road. Some people. Fifth number, does are chasing a thief. The police. Exercise number 4. Supply suitable predicates to the subject. Select them from the given list. तो यहाँ पर अभी उल्टा हो गया, पहले प्रेडिकेट दे रखा हुआ था और सब्जेक्ट फिलअप करना था, यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा हुआ है और प्रेडिकेट फिलअप करना है और ब्रैकेट से चूज करके, तो नंबरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी हुई है, देख लेते हैं। नंबर 1, पंडित नेहरू वॉज फॉन्ड ऑफ रेड रोजेस। सेकेंड नंबर, द गार्डन इज फुल ऑफ रोज प्लांट्स। थर्ड नंबर, द किंग्स सन बिकम अ ग्रेट रूलर। फोर्थ नंबर, माई स्कूल हैज़ अ फाइन लाइब्रेरी। फिफ्थ नंबर, अ हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। नाउ इट इज कंप्लीट असाइनमेंट 2। थैंक यू, टेक केयर।